अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर जो वीडियो वाली सरकार बिलाल भाई ने गिव अवे रखा है उसके लिए बनाई जा रही है, कि उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि एक वीडियो बनाएं जो आपके पास टैलेंट है उस पर और गिव अवे में शामिल हो जाएं। तो वीडियो स्पेसिफिक तौर पर इसीलिए बनाई जा रही है। तो मेरे अंदर ये टैलेंट था कि मैं मोबाइल फ़ोन्स के रिव्यू करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ इसी मोबाइल फ़ोन का रियलमी 8 सीरीज़ जो कि लॉन्च होने वाली है 28 अप्रैल को, इसी के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और इस पर मुतालिक अपने हुनर स्ट्रिप ओपिनियन दूंगा। मुझे इसमें क्या चीज़ पसंद आई है पर्सनली, क्या आपको मोबाइल फ़ोन का वेट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को अच्छे से लाइक कर लें। पढ़ते अपनी तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर जो मुझे खास बात देखने को लग रही है मुझे, वो इसके कैमरास और डिस्प्ले होने वाला है। दोनों ही मोबाइल फोन बड़ी एग्रेसिव प्राइस के अंदर आने वाले हैं और दोनों का ही डिस्प्ले बड़ा ही कमाल का होने वाला है, जैसा कि हमें रेडमी के नोट 10 के अंदर देखने को मिली थी। ऑल स्पेसिफिकेशन एक ही मोबाइल के अंदर और बड़े सस्ते रेंज के अंदर, इसी तरह का मुझे लग रहा है रियलमी भी करने जा रहा है सस्ते प्राइस के अंदर ऑल स्पेसिफिकेशन। पहले क्या होता था कि कोई कंपनी को अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ से दी और वहाँ से गिरा दी, ये बड़ा करती थी कंपनीज़ कि कोई अच्छी स्पेसिफिकेशन देती थी तो कोई दूसरी गिरा देती थी। बट ये हर तरफ से लेवल बैलेंस मोबाइल फ़ोन्स होने वाले हैं। ये इनके जो डिस्प्ले होने वाले हैं दोनों ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाले हैं, 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आने वाले हैं। स्क्रीन साइज़ भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, 6.4 और 6.5 इंचज़ के होने वाले हैं दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स। इसके अंदर जो फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा मेन वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो कि मेंशन हुआ हुआ है। और इन दोनों मोबाइल फोन्स के जो मैं कैमरास की बड़ी खूबी बयान करूं, वो कैमरास तो बहुत ही आला हैं, बहुत ही आला हैं, बहुत ही आला हैं, क्योंकि ये जो कैमरास हैं बिल्कुल मैन्युअली आपके हाथ में दे दिए जाएंगे। मैन्युअली आप अपनी मर्जी का कंट्रोल कीजिए कि ना ही कैमरा खुद कुछ करेगा, आपको खुद मैन्युअली कंट्रोल दे देगा। क्योंकि ये जो आपको 32,000 में रियलमी 8 देखने वाला मिलने वाला है, इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस रेंज के अंदर कोई भी मोबाइल फोन ऑल स्पेसिफिकेशन के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देता। मैंने नहीं कोई मोबाइल फोन देखा जो कि इस रेंज के अंदर इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा दे दे। बहुत ही अच्छी बात होने वाली है इस मोबाइल फोन के अंदर। इस मोबाइल फोन के अंदर दूसरा जो कैमरा मिलने वाला है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होने वाला है, बकाया 2-2 मेगापिक्सल के शॉर्ट यानी कि डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर होने वाले। अच्छा, तो फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट पे इनके नॉर्मल कैमरा हैं, वो इतने हाई नहीं होने वाले, बट जो बैक के कैमराज हैं वो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। इसके अंदर आप 4K तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अगेन बहुत अच्छी ऑप्शन होने वाली है। इसके अंदर आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उस पर भी आप अपनी मर्जी के FPS कर सकते हैं। 30, 60, 120 तक आपको ऑप्शन दी जा रही है। दोनों मोबाइल फोन्स बड़े बेहतरीन होने वाले हैं। जो दूसरा मोबाइल फोन रियलमी 8 प्रो होने वाला है उसका कैमराज तो बहुत ही आला होने वाला है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, नो डाउट इस रेंज के अंदर कोई कंपनी नहीं देती 108 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी 40,000 की रेंज के अंदर। बहुत ही अगेन बहुत 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 ही बेहतरीन फ़ोन होने वाला है ये, 40,000 की रेंज के अंदर एक और एक 30,000 की रेंज के अंदर किलर फ़ोन होने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्योंकि 108 मेगापिक्सल बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अंदर भी आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p पे भी आपको 30 FPS 60, 120 FPS जैसे मैनुअली ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080p की रेजोल्यूशन 1080p सपोर्ट करेगा कैमराज। कैमराज की तस्वीरों की बात कर ली जाए तो बहुत बेहतरीन पिक्स है, बेहतरीन क्वालिटी होने वाली है। जैसे इसकी अनबॉक्सिंग की अगर मेरे पास ये मोबाइल फोन आता है गिव अवे जीतने के बाद, तो मैं इसकी जरूर आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करूंगा। बट वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, जिसका जो नाम है मोहम्मद अवैस 5। और इसके अंदर जो चिपसेट्स की तो हमने बात ही नहीं की, तो इसके अंदर की जो चिपसेट्स हैं वो भी बहुत कमाल होने वाली है यार। इसके अंदर की चिपसेट आप सुन के हैरान रह जाएंगे, मीडियाटेक की हेलियो P G95, ये 30,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जो आपको 40,000 की रेंज में फ़ोन आने वाला है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन की 730, मेरा ख्याल है ये 25 अगेन मैं मेंशन कर दूंगा, मेरा ख्याल है 730 ही है, अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो कुछ और हुई तो मेंशन कर दूंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तगड़ी गेमिंग फ़ोन होने वाला है। तो अगर आप कहते हैं मैं गेमर हूँ तो मोबाइल फ़ोन बेस्ट, अगर आप कहते हैं मैं कैमरा यूज़र हूँ तो मोबाइल फ़ोन बेस्ट, एक डेली यूज़र हूँ तो मोबाइल फ़ोन बेस्ट। तो आपको मोबाइल फ़ोन में क्या चाहिए, डिस्प्ले, प्राइस, हर चीज़ बड़ी मुनासिब होने वाली है। मोबाइल फ़ोन लॉन्च होते हैं
है। तो देखते हैं अगर हम गिव अवे जीत गए और मोबाइल हमारे पास आया तो हम आपके साथ जरूर अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर करें। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 28 अप्रैल को 7 बजे इसकी यानी ये लॉन्च इवेंट है। ये आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं इसका लॉन्च इवेंट और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो इसकी एक्सपेक्टली प्राइस की बात कर ली जाए दोनों मोबाइल फ़ोन की, तो एक मोबाइल फ़ोन जो कि Realme 8 है खाली जो प्रो के साथ नहीं आता उसकी प्राइस 33,000 रुपये होने वाली है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। एक्सपेक्टली एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, इसे ऊपर नीचे हो सकती है। और जो हमारे पास Realme 8 Pro है इसकी एक्सेप्टेड प्राइस 45,000 रुपये हो सकती है। हम आपके साथ जरूर अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, बाय दबा।